अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको आज नीडल्स असेंबल करने का तरीका बताऊंगा। आपके पास जब पार्सल रिसीव होगा तो आपके पास नीडल्स होंगी और मशीन होगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या कि मशीन को देखना है और मशीन के अंदर ये नट लगा होगा इसको लूज़ करना है और इसको ओपन करके कम्प्लीटली इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपने जो डायल होगा आपका किसी भी किस्म का, अगर आप बड़ी क्लॉक मंगवा रहे हैं या छोटी क्लॉक मंगवा रहे हैं, डायल जो साइज के अंदर इंसर्ट करना है और दोबारा से नट लगा देना है। तो उसके बाद ये मशीन जो सी है ये ऐसी दिखेगी जब आप नट मूव कर देंगे, और अपनी मर्ज़ी का जो डायल आपके पास आया होगा वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नीडल्स असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने सबसे छोटी नीडल जो सी है वो पकड़नी है और उसको इंसर्ट करना है। तो कोशिश करनी है कि इसको दबा के आप इंसर्ट कर दें, और ये जब इस तरह हो जाएगी, देखें मैंने थोड़ा सा होल के नज़दीक दो फिंगर से जोर लगाया तो ये सेट होगी अपनी जगह, और ये मूव नहीं कर रही, फ्री मूव नहीं कर रही। मेक श्योर करना है कि ये फ्रीली मूव ना करे। ठीक है, उसके बाद आपने हॉर्स वाली नीडल लेनी है, उसको भी इसी तरह इंसर्ट करना है जोर लगा के थोड़ा। अब ये देखिएगा कि दोनों नीडल्स जो सी हैं ये अपनी जगह बैठ चुकी हैं। ठीक है, बस ये मेक श्योर करना है कि ये ज़्यादा दबाएं ना, लेकिन इतना दबाएं कि ये अपनी जगह फिक्स हो जाए, फ्रीली मूव ना करें। उसके बाद लास्ट जो नीडल होगी वो सेकंड्स वाली होगी। सेकंड वाली नीडल को आपने इसी तरह पिन के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अभी अगर टेढ़ी भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने देखना कि ये टेढ़ी हो गई हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा बेंड करके सीधा कर लेना है। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि कोई भी नीडल आपस में कोलाइड ना करे। अगर कोलाइड करेगी नीडल तो वो चलेगी नहीं, मशीन नहीं चलेगी। उसके बाद लास्ट जो चेक होगा वो ये होगा कि आपने जो सेल होना है अगर इंसर्ट करना है वो पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही आए और नेगेटिव की जगह नेगेटिव ही आए। ठीक है, थैंक यू।